ढोंग की जिंदगी से बेहतर है ढंग की जिंदगी। जब किसी का गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लो, और जब किसी का अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लो। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों पर इतना काबू रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखे, और जब किसी के घर से निकलो तो अपनी जुबान पर काबू रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहे। दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराजगी जाहिर कर दो। मैं सब जानता हूँ, यही सोच इंसान को कुएं का मेढक बना देती है। खुद का अगर मान चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। इन बातों को गांठ बांध लो, जो पिता के पैर छूता है वह कभी गरीब नहीं होता है, जो माँ के पैर छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता है, जो भाई के पैर छूता है वह कभी गमगीन नहीं होता है, जो बहन के पैर छूता है वह कभी चरित्रहीन नहीं होता है, और जो गुरु के पैर छूता है उसके जैसा कोई खुश नसीब नहीं होता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं। कभी भी उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, पर उनसे जरूर डरिए जो छल करते हैं। ये दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और दूसरा माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बेहतर कोई सजा नहीं। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है वो अपने ही वजन से डूब जाता है। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर मोटिवेशन।